आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर कैपिटल गेन्स। ठीक है, सबसे पहले देखिए कैपिटल गेन्स का मीनिंग क्या होता है। कहते हैं अगर आप अपनी कोई भी कैपिटल एसेट, ठीक है, ट्रांसफर करते हो किसी को भी, तो कहते हैं जब आपने उस चीज को ट्रांसफर किया, ठीक है, एंड तब आपको कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, कहते हैं वो जो आपका प्रॉफिट हुआ उसे हम कहते हैं कैपिटल गेन। ठीक है, अगेन अगर मैं 2018 में, ठीक है, कोई भी अपनी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया है, ठीक है, तो जब मैंने उसको ट्रांसफर किया, जैसे कि अगर मैं लेकर 10 लाख करके उससे मैंने ट्रांसफर किया 20 लाख पे, तो ये जो मेरे 10 लाख का जो मेरा प्रॉफिट है, ठीक है, इसे हम कहते हैं अपना कैपिटल गेन। ठीक है, उसके बाद है बेसिस ऑफ चार्ज। बेसिस ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि हमने ये जो गेन है, ठीक है, कब टैक्सेबल होगा। तो इसकी दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि आपने अपनी चीज का, कहते हैं क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले ट्रांसफर, और चीज कौन सी होनी चाहिए, आपकी कैपिटल एसेट होनी चाहिए। ठीक है, दोनों का मीनिंग आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ट्रांसफर का मीनिंग क्या होता है, कैपिटल एसेट कौन सी होती है। ठीक है, एंड सेकेंड चीज ये कहते हैं हम ये जो टैक्स है, ठीक है, इस इनकम पे टैक्स कब लगेगा। कहते हैं टैक्स लगेगा तब जब जिस साल में, कहते हैं आपने उसको बेचा है, ठीक है, जिस साल में आपने उसको ट्रांसफर किया। अगर मैंने उसको 2018 में, ठीक है, सेल किया, ठीक है, कहते 2018 आपको प्रीवियस ईयर होगा, ठीक है, तो कहते प्रीवियस ईयर की ये इनकम है, तो इसकी जो अगर लगेगा ना टैक्स, वो लगेगा आपके इसके अगले साल, जिसे हम कहते हैं 2019 में। ठीक है, अब देखते हैं कैपिटल गेन। ठीक है, यहाँ जैसे बोला कैपिटल गेन में कहते हैं क्या चीजें आती है। कैपिटल गेन में कहते हैं सबसे पहले दो चीजें बताई हैं उन्होंने। फर्स्ट है कहते हैं एनी काइंड ऑफ एसेट, ठीक है, कोई भी काइंड के एसेट, काइंड का मतलब कि मूवेबल हो या इमूवेबल हो। ठीक है, एंड सेकंड चीज कहते हैं वो चाहे बिजनेस से कनेक्ट हो या बिजनेस से कनेक्ट ना हो, कोई भी एसेट चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो और बिजनेस से कनेक्ट हो या ना हो, ठीक है, वो भी आपकी कैपिटल एसेट। और इसके अलावा कहते हैं कोई भी अगर आपकी सिक्योरिटी है, ठीक है, जो कि हेल्ड है बाय FII, जिसे हम कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, ठीक है, इसके द्वारा आपकी कोई भी सिक्योरिटी इसमें हेल्ड है, ठीक है, उसे हम कहते हैं अपनी कैपिटल एसेट्स। उसके बाद नेक्स्ट है कहते हैं विच वॉट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैपिटल एसेट। ठीक है, कैपिटल एसेट में कहते हैं कौन सी चीजें हैं जो स्पेसिफिकली इंक्लूड नहीं है लॉ के द्वारा। ठीक है, तो मेन चार चीजें हैं। ठीक है, फर्स्ट है स्टॉक इन ट्रेड, कहते हैं कोई भी बिजनेस का स्टॉक उसे हम एसेट नहीं मान सकते। ठीक है, सेकेंड चीज है कहते हैं पर्सनल मूवेबल एफर्ट्स। अब देखिये पर्सनल मूवेबल एफर्ट्स का मतलब है आप जिस घर में रहते हो, ठीक है, आपका फर्नीचर, आपकी बाइक, ये सब चीजें, ठीक है, जो आपकी पर्सनल चीज है, आपकी पर्सनल एसी, ये सब चीजें। बट कहते हैं इसकी ना एक एग्जम्पशन है कि इसमें कहते हैं कुछ चीजें हैं जो नहीं आती है, जैसे कि ज्वेलरी होगी, कोई ड्राइंग्स होगी, आपकी कोई पेंटिंग्स होगी। ठीक है, जैसे कि आपको पता ना कि पेंटिंग्स के भी दाम होते हैं, जैसे कि 10 लाख 20 लाख, तो कहते हैं वो आपकी कोई पर्सनल चीज नहीं है, वो आपके बिजनेस के साथ लिंक है। ठीक है, ज्वेलरीज का भी कहता है आपका कोई बिजनेस होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें कहते हैं जो स्पेसिफिक है, जैसे कि यहाँ पे स्पेसिफिकली गिवन है, कहते हैं एक्सक्लूडिंग ज्वेलरी, कहते कोई भी कलेक्शन है आपकी, ड्रॉइंग्स है, पेंटिंग्स है, कहते कोई भी अगर आपके पर्सनल जो आपकी आर्ट है, ठीक है, वर्क ऑफ आर्ट है, ठीक है, जो है तो आपका पर्सनल, ठीक है, बट कहते हैं आपने उसको एज अ बिजनेस यूज करते हैं। ठीक है, तो कहते हैं वो चीजें आपकी पर्सनल एफर्ट्स में नहीं आती है। ठीक है, उसके बाद थर्ड है आपकी एग्रीकल्चर लैंड इन द रूरल एरिया। कहते हैं कोई भी आपकी अगर एग्रीकल्चर लैंड है जो कि है रूरल एरिया में, ठीक है, कहते हैं वो एग्रीकल्चर लैंड कहते हैं इस टैक्स में, इस कैपिटल एसेट में नहीं आती। ठीक है, बट इसके लिए कहते हैं आपकी लॉ ने कहते कुछ स्पेसिफाइड लिमिट बनाई हुई है, जैसे कहते हैं एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है, अगर कहते ये जो ये कुछ लिमिट है, ठीक है, कहते ये लिमिट किसके लिए है, ये लिमिट है अर्बन लैंड के लिए, कि आपकी एग्रीकल्चर लैंड कहते इस लिमिट के अंदर नहीं होनी चाहिए, अगर इस लिमिट के अंदर है तो वो कहते हैं वो उसे हम अर्बन लैंड मानते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बताया कहते हैं अगर जैसे कि अगर आपकी पॉपुलेशन है, कहते 10,000 से कम है, इक्वल टू 10,000, ठीक है, उसे भी हम कहते हैं अर्बन लैंड मानते हैं। बट कहते हैं जैसे आपकी पॉपुलेशन 10,000 से इंक्रीज होती है, ठीक है, तब हम कहते हैं पॉपुलेशन के साथ हम एक जो है ना म्यूनिसिपल लिमिट कहते हैं उसे भी हम काउंट करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपकी पॉपुलेशन के है 10,000 उस एरिया के वाले पॉपुलेशन है 10,000 से लेकर 1 लाख तक, ठीक है, 10 से 1 लाख के बीच में, देन कहते हैं वो वाला एरिया, ठीक है, पॉपुलेशन का प्लस उस एरिया का जो लिमिट है वो है 2 किलोमीटर, क्योंकि उसके आले जो आसपास का दो किलोमीटर का जो भी एरिया है ना उसे भी हम कहते हैं अर्बन ही लैंड मानेंगे। उसके बाद कहते हैं अगर आपकी जो पॉपुलेशन 1 लाख से लेकर 10 लाख तक हो जाती है, ठीक है, देन उस केस में वो वाला एरिया प्लस उसकी म्यूनसिपल लिमिट कितनी होगी, 6 लाख की लिमिट होगी। ठीक है, ये जो मैंने एक्स्ट्रा सर्कल बनाई ये लिमिट है और ये वाली क्या है, ये पॉपुलेशन है। ठीक है, उसके बाद लास्ट है कहते हैं अगर आपकी पॉपुलेशन 10 लाख से भी ज्यादा हो जाती है, देन उस केस में कहते हैं आपकी लिमिट कितनी है, 8 किलोमीटर। ठीक है, एंड उसके बाद लास्ट है कहते हैं नोटिफाइड बॉन्ड। कहते हैं कोई भी अगर बॉन्ड है, ठीक है, जो नोटिफाइड है बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, जैसे कि 7 और 6% गोल्ड बॉन्ड्स, स्पेशल बेयरर बॉन्ड, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, कहते कोई भी ऐसे बॉन्ड है, ये सभी चीजें कहते हैं आपके कैपिटल एसेट में बिल्कुल नहीं आती है। ट्रांसफर कम्युनिटी, ठीक है, कि ट्रांसफर हम किससे कहते हैं, ठीक है, किन चीजों को ट्रांसफर कहते हैं। ठीक है,
ये आपको बताया गया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 में, ठीक है। यहाँ आपको 7 आइटम्स बताएंगे, ये कहते हैं अगर आप ये 7 ट्रांजेक्शन है इनमें से कोई भी एक ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है, तो उसे हम ट्रांसफर की गिनती है, उसे हम ट्रांसफर काउंट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला है, फर्स्ट है दिस सेल एक्सचेंज, सेल आपको पता ही, ठीक है, एक्सचेंज जैसे कि आपने एक चीज ली उसके भी हाफ पे कोई चीज ली, जिसे हम कहते हैं ना बाटर सिस्टम, ठीक है, कैश नहीं लेना आपने, चीज के बदले चीज लेनी, ठीक है। तो कहते हैं वो कोई भी आपने एक्सचेंज किया हो, सेल किया हो, या आपने रिलिंक्विशमेंट की है, ठीक है। अब देखिए रिलिंक्विशमेंट क्या होती है, रिलिंक्विशमेंट का मतलब क्या होता है, टू सरेंडर की, मतलब अगर सपोज कि मैंने अपने खुद कोई चीज, ठीक है, आपको सरेंडर की, आपको ऐसे गिफ्ट में ऐसा दे दी, ठीक है, अपनी खुद की इच्छा से, तो उसमें कहते हैं रिलिंक्विशमेंट, ठीक है। एंड वो भी कहते हैं आपकी ट्रांसफर में ही काउंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट है दी एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट, ठीक है, कि कोई भी राइट है, ठीक है, कहते हैं आप उसको एक्सटिंग्विशमेंट करते हैं। एक्सटिंग्विश का मतलब क्या होता है, कहते हैं कैंसिलेशन, ठीक है, मतलब कि जैसे आपको पता है कि कंपनी क्या करती है, अगर आपने अपने शेयर के कोई भी पैसा, ठीक है, नहीं पे किया अपनी कंपनी को, देन उस केस में आपने जितना पहले पैसा पे किया होता वो वाली चीज प्लस आपके जो शेयर है, ठीक है, उसको फोरफिट कर लेती ना, तो यही चीज है, कहते हैं इसकी एग्जाम्पल क्या है, फोरफिट ऑफ शेयर, ठीक है, कि आपने जो पैसा पे किया वो वाला पैसा, ठीक है, और आपकी जो पॉलिसी है, जैसे अगर प्रैक्टिकल लाइफ में बात करूं, जैसे कि आपने पॉलिसी ली है, ठीक है, 10 लाख की, ठीक है, उस पर कहते हैं आपकी 5 इंस्टॉलमेंट थी आपने देनी थी, पे करनी थी अपनी प्रीमियम की, तो आपने, ठीक है, 2 इंस्टॉलमेंट पे कर दी, ठीक है, 2 इंस्टॉलमेंट की मान लो कॉस्ट थी 45 लाख, ठीक है, सॉरी 4,50,000, ठीक है। तो कहते हैं आपने 4,50,000 एज अ प्रीमियम पे कर दिया, ठीक है, और आपने ये वाली पॉलिसी ली थी, ठीक है। बट कहते हैं अगर आपने 2 इंस्टॉलमेंट के बाद जो आपकी बाकी वाली इंस्टॉलमेंट, ठीक है, वो आपने पे नहीं किया, देन उस केस में आपका ये वाला पैसा 450 और ये जो पॉलिसी है, ठीक है, ये भी कहते सीज हो जाती है, ठीक है। तो ये जो पैसा है, ठीक है, जो आपने पे किया है, ये जो बैंक है, जो शेयर है, ठीक है, जो कंपनी है, वो कहते हैं इसे फोरफिट कर लेती है, तो इसे फोरफिट, इसे हम कैंसिलेशन का क्या कहते हैं, एक्सटिंग्विशमेंट, ठीक है। तो जब आप कहते हैं किसी भी चीज के ऊपर कोई चीज फोरफिट करते हो, ठीक है, तो वहां पे आपको कुछ प्रॉफिट हुआ था ना, तो वो प्रॉफिट यहाँ पे कैपिटल गेन में हम निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है दी कंपल्सरी एक्वाइजेशन, कहते हैं कोई भी अगर आपने कंपल्सरी कोई चीज एक्वायर की है, ठीक है, बाय द लॉ, उसे भी हम ट्रांसफर ही कहते हैं। जैसे कि इसकी एग्जांपल क्या है, सपोज कहते हैं कि जब कोई गवर्नमेंट ने कि अपना कोई भी प्रोजेक्ट, ठीक है, बनाना हो, ठीक है, जैसे कि सपोज अगर अपने गवर्नमेंट ने अपने एक एयरपोर्ट बनाना है किसी जगह पे, ठीक है, तो उसने एक स्पेसिफिक, ठीक है, एक एरिया, ठीक है, अलॉट कर दिया कि हाँ भी मुझे इस जगह पे, ठीक है, अपना न्यू एयरपोर्ट बनाना है, ठीक है। तो उस जगह पे कहते हैं जितने भी व्यक्ति जो काम करते हैं, ठीक है, उनसे वो क्या करती है, डील करती है ना कि अपनी ये जो जगह है, ठीक है, इसको छोड़ दो, इसके बिहाव पे हम आपको कंपनसेशन पे करते हैं, ठीक है। तो आप कहते हैं ये जो चीज आप अपनी इच्छा से नहीं करते हैं, आपको क्लियरली लिखा हुआ है, कहते हैं कंपल्सरी एक्वाइजेशन, कंपल्सरी का मतलब होता है ये आपने नहीं कहा कि मेरी दुकान ले लो, ठीक है, या आपसे गवर्नमेंट या आपसे कोई भी जिसने जिसने उस जगह पे, ठीक है, एक्वायर करना है, वो वाला व्यक्ति, ठीक है, आपसे बोल रहा है कि मुझे ये जगह चाहिए, उसके बिहाफ पे आपने मैं हम आपको, ठीक है, इतने इतने पैसे दे रहे हैं, ठीक है। तो उससे अगर उस केस में, ठीक है, जब आप कोई भी चीज उसको देते हो, उस गवर्नमेंट को या किसी भी चीज को, किसी भी व्यक्ति को, तो उससे भी हम कहते हैं ट्रांसफर की गिनती में ही काउंट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इन केस वेयर द एसेट इज कन्वर्टेड बाय द ओनर, ठीक है, इन टू स्टॉक एंड ट्रेड, कि कोई भी अगर आपने, ठीक है, एसेट को कन्वर्ट किया है स्टॉक एंड ट्रेड में, तब कहते हैं उसको भी हम कहते हैं ट्रांसफर ही काउंट करते हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज अगर मेरे घर पे कहते हैं कोई एक्स्ट्रा फर्नीचर पड़ा हुआ है, तो मैंने उस एक्स्ट्रा फर्नीचर को अपनी शॉप में, ठीक है, सेल करने के लिए रख दिया, तो कहते हैं उस चीज को भी कहते हैं जब मैं उसको अपने कैपिटल चीज को, ठीक है, अपने पर्सनल वाली चीज को मैंने अगर कन्वर्ट किया है अपनी स्टॉक एंड ट्रेड में, तब उससे भी हम कहते हैं ट्रांसफर ही कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एनी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग द अलायंस अलाइंग ऑफ सेशन ऑफ एनी इमूवेबल एसेट, ठीक है, टू बी टेकन और रिटेन, कि वो ट्रांजेक्शन जिससे आपको कुछ इमूवेबल एसेट में, इमूवेबल प्रॉपर्टी की कोई पोसेशन, ठीक है, मिले या आपको, ठीक है, दिया जाए इन पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, की किसके भी आप पे कि आपने कॉन्ट्रैक्ट का कुछ कोई पार्ट के परफॉर्म किया है, कॉन्ट्रैक्ट का कोई पार्ट परफॉर्म किया है, ठीक है, आपने, एंड उसके भी आप पे कहते हैं उसके साथ आपको कोई इमूवेबल एसेट की कोई प्रॉपर्टी या कुछ पोजेशन भी मिलता है, ठीक है, तो कहते हैं उसको भी हम ट्रांसफर भी कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं एक एग्जांपल, ठीक है, जैसे कि सपोज, ठीक है, मैंने एक हाउस को बाय करना था, ठीक है, जिसकी प्राइस थी 30 लाख, ठीक है, तो मैंने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने और मेरे कस्टमर ने
सेलर ने, ठीक है, जिसका नाम एक्स था, ये सेलर ने क्या डिसाइड किया, हम दोनों ने कहते कि मैं फर्स्ट जो पेमेंट है वो करूंगी 20 लाख की, ठीक है, एंड इस 20 लाख से, ठीक है, मैं जब 20 लाख पे कर दूंगी, ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तब मुझे वो जो हाउस है, ठीक है, आपने दे देना, ठीक है। देन उस केस पे एक्स ने क्या बोला, कहते ठीक है, बट आपको हाउस तो मिलेगा, ठीक है, 20 लाख के ऊपर, कि अगर आपने 20 लाख पे किए देन तभी से आप, कहते उसके अगले दिन से आप अपनी शिफ्टिंग कर लेना इस वाले हाउस में, ठीक है, बट आपको उसके जो हाउस के जो पेपर्स है ना वो आपको तभी मिलेंगे जब आपने, कहते कंप्लीट पेमेंट की होगी, ठीक है, क्योंकि जब आपने अपना बैलेंस जितना भी बचा हुआ वो आप जब दे देंगे तभी आपको उसके पेपर्स में दूंगी। मैंने बोला ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, ठीक है, कुछ महीने बाद मैंने उसको 20 लाख की पेमेंट की और वहां उसके 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 वो जो हाउस है, ठीक है, वो मैंने ले लिया। तो इस केस में क्या हुआ, मुझे हाउस, ठीक है, वो मिला है, उसका पोसेशन मिला है, हाउस कंप्लीट नहीं मिला, ठीक है। इस केस में हम कहते हैं ट्रांसफर किसको मानेंगे, इस केस में हम जो 20 लाख देके, ठीक है, मैंने जो मैंने हाउस लिया है इस वाली चीज को हम क्या मानेंगे, एज अ ट्रांसफर ट्रीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एनी ट्रांजेक्शन विच हैज द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग, क्योंकि कोई भी ट्रांजेक्शन की है आपने जिसका, कहते हैं, इफेक्ट है ऐसा ट्रांसफर, उस भी हम कहते हैं ट्रांसफर ही काउंट करते हैं। इसके लिए देखते हैं हम एक एग्जाम्पल, जैसे कि, ठीक है, आप भी एक सोसाइटी थी, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, ठीक है, तो कहते हैं आपने उसका मेंबर बनने के लिए, ठीक है, आपको, आपने उसको, ठीक है, पे किया, पेमेंट पे की, ठीक है, एज अ मेंबर उनकी मेंबरशिप लेने के लिए, ठीक है, तो वो सोसाइटी कहते हैं आपने जो पैसे दे दिए तो आप उसके एज अ मेंबर बन गए, ठीक है, तो कहते हैं उसके बेनिफिट क्या हुआ कि आपको वो सोसाइटी क्या कहते हैं एक बिल्डिंग है, आप कह सकते हैं एक फ्लैट प्रोवाइड करती है, ठीक है, रहने के लिए। तो इस केस में क्या कहते हैं आपको जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो आपको कहते हैं पूरी की पूरी उठा के नहीं दी, मतलब कि शिफ्ट नहीं हुए, ठीक है, पहली बात तो ये, एंड सेकंड चीज है आपको कहते हैं वो पोसेशन नहीं मिला, कि आपको जो राइट टाइम के जो पेपर्स हैं वो नहीं मिले, ठीक है। सिंपल इसमें क्या है, आपको जस्ट रहने के लिए, ठीक है, वो जो चीज है, ठीक है, वो जो फ्लैट है वो दिया गया है, ठीक है, एंड आपको, ठीक है, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के जो प्रॉपर जो पूरे बेनिफिट, ठीक है, वो दिए गए हैं। तो ये ट्रांजैक्शन कौन सी होती है, ये ट्रांजैक्शन भी आपकी ट्रांसफर भी मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मैच्योरिटी और रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है, जब आप कहते हैं जीरो कूपन बॉन्ड जो है वो रिडीम हो जाए, ठीक है, जब वो मैच्योर हो जाए तब उनसे जो भी कहते पैसा हमें मिलता है, ठीक है, वो हम कैपिटल गेन में भी काउंट करते हैं, ठीक है। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होते हैं, कहते हैं जीरो कूपन का मतलब क्या होता है, कूपन मतलब इंटरेस्ट एंड जीरो मतलब जीरो, ठीक है, मतलब कि 0% इंटरेस्ट है, कि बॉन्ड मतलब क्या होता है डिबेंचर, कि ये ऐसे डिबेंचर हैं जिन पे कहते हैं इंटरेस्ट आपको जीरो मिलता है, ठीक है। तो ये वाले जो डिबेंचर्स हैं, कहते हैं ये जो जब रिडीम होते हैं, कि जब ये मेच्योर होते हैं, ठीक है, तब उस टाइम तक कहते हैं जो ये आपको मिलते हैं, ठीक है, तभी भी ये हम इसे ट्रांसफर ही कहते हैं।